बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई ओरिजिन्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर के आगे बैठकर उसमें कई सारी आंखें देख रहा होता है। इस वैज्ञानिक का नाम इयान होता है और इयान ने अपनी पूरी जिंदगी आंखों पर ही रिसर्च किया है और यहाँ से वो हमें अपनी कहानी सुनाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है उस वक्त में जब इयान कॉलेज में एक PhD स्टूडेंट था और आंखों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अब इयान एक दिन एक हॉलोवीन पार्टी में जाता है। हॉलोवीन पार्टी उसे कहा जाता है जहां पर सब अपना चेहरा बदलकर यानी कि मास्क पहनकर आते हैं। लेकिन इयान पार्टी में बोर हो रहा होता है, इसीलिए ऊपर टेरेस में जाता है जहां पर पहले से एक लड़की होती है जिसने मास्क पहना होता है। दरअसल वो यहां पर चांद देखने के लिए आई होती है जो कि आज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है। और जब इयान उसकी आंखें देखता है तो उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी आंखों की फोटो खींच सकता हूँ? वो कहती है, क्यों नहीं। इयान उसकी फोटो खींचता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों नीचे पार्टी में चले जाते हैं जहाँ ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब इयान जब अपने घर जाता है तो वो उसी लड़की की यानी कि सोफी की आंखों को देख रहा होता है। अगले दिन वो अपनी लैब के लिए निकलता है लेकिन रास्ते में ही उतर जाता है और तभी उसे सामने एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर उसी लड़की की आंखें दिखती है जिस लड़की से वो एक रात पहले हॉलोवीन पार्टी में मिला था। दरअसल उसे अभी तक उसका नाम नहीं पता होता पर अब उसे समझ में आ जाता है कि ये एक मॉडल है जिसका नाम सोफी है। वो उसे गूगल पर सर्च करता है जहाँ पहली बार इवान सोफी का पूरा चेहरा देखता है। अब शाम को जब वो अपने घर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि सामने की सीट पर सोफी बैठी है। वो सोफी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है और सोफी उसे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। और जब सोफी ट्रेन से उतर जाती है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है जिसके बाद ये दोनों के दोनों एक कॉफी हाउस में बैठते हैं। सोफी अपने बारे में बताती है कि वो अर्जेंटीनिया से है लेकिन जब वो 11 साल की थी तब वो फ्रांस आ गई थी। इवान सोफी से कहता है कि मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ और फिलहाल मैं जानवरों की आंखों पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने अपने करियर में कई जानवरों की आंखों के साथ साथ सैकड़ों इंसानों की आंखों को डीपली ऑब्जर्व किया है पर मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी थी, इसीलिए उस रात को मैंने तुम्हारी आंखों की फोटो खींची और अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और अब ये एक दूसरे के साथ बाहर भी घूमना शुरू कर देते हैं। और जब ये एक बार घूम रहे होते हैं तभी इन्हें एक सफेद रंग का मोर दिखता है जिसे देखकर सोफी इयान को बताती है कि हिंदुस्तान में सफेद मोर को आत्मा का प्रतीक माना जाता है यानी कि जहां भी सफेद मोर होता है उसके आसपास आत्माएं होती है। लेकिन इवान एक साइंटिस्ट बनने वाला है, वो एक PhD स्टूडेंट है, इसीलिए वो इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता जबकि सोफी को इस तरह की बातों पर पूरा विश्वास है। खास तौर पर वो हिंदुस्तान के देवी देवताओं पर और उनकी थ्योरीज पर पूरा विश्वास करती है। उसने अपने घर पर गणपति जी की मूर्ति भी रखी होती है। हालांकि इन दोनों की सोच अलग है, ओपिनियंस अलग है लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये एक दूसरे के साथ ही सोफी के घर पर रहना शुरू कर देते हैं और एक दिन इवान सोफी से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और सोफी शादी के लिए फौरन से हाँ कर देती है। अगले दिन ही शादी करने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं लेकिन उस दिन ऑफिस बंद होता है। और जब भी वापस घर आ रहे होते हैं तो इयान को उसकी लैब असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि जिस इंसेक्ट के ऊपर हम रिसर्च कर रहे थे जिसकी आंखें नहीं थी हम उसे आंखें देने में कामयाब हो गए हैं। ये सुनने के बाद इयान को बहुत खुशी होती है। वो सोफी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ लैब चलो। सोफी इयान के साथ उसकी लैब में आ जाती है जहां पर ये उस इंसेक्ट को देखते हैं जिसके ऊपर इयान बहुत वक्त से रिसर्च कर रहा था। पर जब सोफी ये सब कुछ देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इयान से कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, कुदरत ने हर एक चीज को उसके हिसाब से बनाया है और अगर तुम कुदरत की बनाई हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये उस चीज के लिए भी और साथ ही कुदरत के लिए दोनों के लिए पूरी तरह से नुकसानदायक होगा। लेकिन इयान सोफी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। वो सोफी को साइंटिफिक दलीलें देना शुरू कर देता है जो उसने बचपन से किताबों में पढ़ा है। वो उसे बताता है कि इस दुनिया में जो कुछ घटा है जिस वजह से पूरी की पूरी दुनिया बन गई, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, यहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं होती। और तभी सोफी के हाथ से एसिड की एक बोतल गिर जाती है जिसके छींटे कुछ इयान की आंखों में चले जाते हैं। उसे बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है लेकिन तभी उसकी लैब असिस्टेंट आकर उसकी आंखों पर दवा लगाती है जिससे इयान को रिलीफ मिलता है। लेकिन अब उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड है और सोफी और इयान अब घर के लिए निकल पड़ते हैं। और जब भी अपने घर की लिफ्ट में होते हैं तभी लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाती है। इयान किसी तरह से लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और वो खुद ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो सोफी को भी ऊपर खींच रहा होता है और तभी लिफ्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाती है जिससे वो उसमें फंस जाती है और अब
उसे ऊपर खींचना मुश्किल है क्योंकि वो लिफ्ट में फंस चुकी है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से इयान पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसे दफनाया नहीं जाता बल्कि उसे जलाया जाता है, जिस तरह से हिंदू धर्म में होता है। सोफी ने दरअसल उसे कहा था कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे दफनाना नहीं बल्कि जिस तरह से हिंदुस्तान में अंतिम संस्कार किया जाता है उसी तरह से मेरी बॉडी को जला देना, और इयान ऐसा ही करता है। लेकिन सोफी की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि नशे का सहारा लेना शुरू कर देता है। एक दिन उसकी लैब असिस्टेंट उसके घर पर आती है और उसे उस इंसेक्ट को, उस कीड़े को दिखाती है जिसकी आंखें इन्होंने उसे लौटा दी। और तभी उसे सोफी की बहुत याद आने लगती है क्योंकि सोफी ने कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अब इसके बाद 7 साल बीत जाते हैं, जहां पर इयान को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत फेमस हो चुका है क्योंकि उसने एक ऐसे कीड़े को आंखें दे दी थी जिसकी आंखें कभी थी नहीं, यानी कि उसने कुदरत को, ईश्वर को चैलेंज किया और उन्हें कहीं ना कहीं मात भी दे दी। यहाँ पर इवान की शादी भी उसकी लैब असिस्टेंट से हो चुकी है जो अब उसी की तरह एक साइंटिस्ट है। वो प्रेग्नेंट होती है और जल्दी एक बेटे को जन्म देती है। और जब उसके बेटे का हॉस्पिटल में ईरिस स्कैन किया जाता है, ये एक ऐसा स्कैन होता है जिसमें हर एक इंसान की आंखों को रजिस्टर किया जाता है। जिस तरह से सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, इसी तरह से पूरी दुनिया में हर एक इंसान की आंखों का, जिसे ईरिस स्कैन कहा जाता है, वो पूरी तरह से अलग होता है। लेकिन जब इयान के बेटे की आंखों को रजिस्टर किया जाता है तो वहां पर किसी दूसरे इंसान का नाम आता है जो होता है पॉल एडगर। ये देखकर दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन इयान को और नर्स को लगता है कि सिस्टम में कोई एरर है, इसीलिए सब कुछ हुआ है। वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अब इयान अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ घर वापस आ जाता है। पर कुछ महीनों बाद हॉस्पिटल से डॉक्टर का इयान को कॉल आता है और वो कहती है कि हमें तुम्हारे बेटे के साथ कुछ टेस्ट करने हैं। इयान अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर उसके बेटे को एक रूम में रखा जाता है। वहां पर उसे कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं जिसमें दो अलग अलग डॉग्स होते हैं। दूसरी तस्वीर में उसे एक फार्म और एक बिल्डिंग की फोटो दिखाई जाती है और तीसरी में दो लेडीज की, जिसमें से एक अफ्रीकन लेडी होती है, जिसे देखकर इयान का बेटा रोने लगता है। इयान को इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, ना ही इयान को कुछ समझ में आता है। पर जब वो अपने घर आता है तो वो इंटरनेट पर पॉल एडगर को सर्च करता है, जिसकी आंखें उसकी बेटे की आंखों से मिली थी, यानी कि जब उसके बेटे की इरिस आंखों का स्कैन किया गया था तो पॉल एडगर की डिटेल्स आई थी। उसे पता चलता है कि पॉल एडगर इडाहो में रहता था और अब वो इडाहो पहुंच जाता है, जहां पर एक बार में जाता है और पूछता है यहाँ कोई डेयरी फार्म है। वो बताती है कि हाँ, पास में एक डेयरी फार्म है। और जब वो उस फार्म में जाता है तो ये वही फार्म होता है जिस फार्म की फोटो उसके बेटे को दिखाई गई थी। और तभी वहां पर एक लड़की आती है। इयान उससे पूछता है, क्या तुम पॉल एडगर को जानती थी? वो बताती है कि वो मेरे पिता थे लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और तभी इयान वहां पर उस डॉग को देखता है, जिस डॉग की फोटो उसके बेटे को हॉस्पिटल में दिखाई गई थी। यहाँ पर वो लेडी भी आती है, जिस लेडी की फोटो को देखने के बाद इयान का बेटा रो रहा था और ये पॉल एडगर की पत्नी होती है। इयान पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि जब पॉल एडगर की मृत्यु हुई थी उन्हीं दिनों उसकी पत्नी ने कंसीव किया था। इयान जो साइंस पर विश्वास करता है, ईश्वर और कुदरत पर विश्वास नहीं करता, वो अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ कैनी नाम के एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है जो आंखों के ऊपर ही रिसर्च करता है। वो कैनी को बताते हैं कि जब हॉस्पिटल में मेरे बेटे का इरिस स्कैन किया गया था तो वहां पर पॉल एडगर नाम के एक दूसरे आदमी की डिटेल्स आई। ये कैसे हो सकता है जबकि मेरे बेटे की आंखें और उसकी आंखें पूरी तरह से अलग है। कैनी बताता है कि स्कैन आंखों के कलर पर नहीं बल्कि आंखों के टेक्सचर और उसकी डिटेल्स पर किया जाता है, जिससे किसी भी इंसान की पूरी डिटेल्स को हमेशा के लिए कंप्यूटर पर रजिस्टर्ड किया जाता है। केनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और अब उसे बताया जाता है कि किस तरह से डॉक्टर ने इयान के बेटे के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहां पर कई लोगों की उसे फोटोज दिखाई गई। और साथ ही इसके बाद इयान उस जगह भी गया था जहां पर उसने उस इंसान को और उन सभी फोटोज को देखा जो उसके बेटे को दिखाई गई थी। केनी उन्हें बताता है कि जो स्कैन कंपनी है जिसके पास पूरा डेटा है, उसका एक्सेस 5 लोगों के पास है, जिसमें से एक मैं हूं और एक डॉक्टर है जिस डॉक्टर ने तुम्हारे बेटे को फोटोज दिखाई थी। इयान यहां पर उसे कुछ और आंखों की फोटोज देता है, जिसमें से एक आंखें सोफी की भी होती है। और जब ये सोफी की आंखों को स्कैन करते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि सोफी की आंखों के पैटर्न के हिसाब से हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में एक लड़की को रजिस्टर किया गया है। और अब इयान और उसकी वाइफ दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, जिसका एक कारण ये भी होता है कि आज से 7 साल पहले सोफी की मृत्यु हुई थी और 7 साल पहले हिंदुस्तान के एक शहर में उसी की आंखों की तरह एक लड़की की आंखों को रजिस्टर किया गया है।
यान की पत्नी कहती है कि तुम्हें हिंदुस्तान जाना चाहिए, पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि सोफी को हमेशा हिंदुस्तान की संस्कृति से बहुत प्यार था और मैं वहां जाकर दोबारा से उन यादों को ताजा नहीं करना चाहता। उसकी पत्नी कहती है कि हो सकता है कि जिस तरह से उस लड़की की आंखें सोफी से मिलती है, उन दोनों के दिमाग में भी कोई न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन हो, उनकी आत्माएं एक हो। ये सुनकर इयान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। उसकी पत्नी उसे इंडिया जाने के लिए मना लेती है और अब वो इंडिया के उस जगह पर आ जाता है जहां पर उन आंखों को रजिस्टर किया गया था। ये दिल्ली शहर का ओखला होता है। वहां पर वो उस लड़की से मिलता है जिस लड़की ने उन आंखों को रजिस्टर किया था। इयान उसे फोटो दिखाता और कहता है कि मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। वो उसे उस लड़की के घर ले जाती है, लेकिन वहां पर इन्हें पता चलता है कि वो लड़की अनाथ है, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। इयान को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो उस लड़की को कैसे ढूंढे, इसीलिए वो उसी लड़की की आंखों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा देता है और अगले दिन वो देखता है कि उन्हीं आंखों को यानी कि उन होर्डिंग्स को एक छोटी सी बच्ची देख रही है। और जब इयान उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी आंखों की ये फोटो है। वो उस बच्ची से इंग्लिश में बात करता है लेकिन उसे इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती। इसके बाद वो उसे अपने होटल ले आता है जहां पर वो उसे बहुत सारी फोटोज दिखाता है जो कि सोफी की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। वो एक फोटो में उसे एक हाथी, मोर और एक कछुआ दिखाता है और ये लड़की मोर को चुनती है, जैसा कि सोफी हमेशा मोर को पसंद किया करती थी। साथ ही वो उसे तीन लड़कियों की फोटो भी दिखाता है और इन लड़कियों में वो सोफी की फोटो को चुनती है। हालांकि उसने हर एक आंसर को सही नहीं दिया होता, लेकिन 44% उसके आंसर्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। यान दरअसल इस वक्त में अपनी पत्नी से भी वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और वो कहता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल रहा, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। और अब वो उस लड़की को उसी मैनेजर के पास वापस छोड़ने के लिए होटल से निकलता है, पर जैसे ही दोनों लिफ्ट के पास पहुंचते हैं वो लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इयान को जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि मैं लिफ्ट के अंदर नहीं जाऊंगी। और इसके बाद इयान और वो लड़की एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। और अब इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और इयान का साइंस विज्ञान पूरी तरह से यहाँ पर धरा का धरा रह जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि आत्मा होती है, इस दुनिया में ईश्वर होते हैं और सोफी का जो ईश्वर पर आत्माओं पर विश्वास था वो पूरी तरह से ठीक था। और ये जो लड़की है ये सोफी का ही पुनर्जन्म है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है जहां पर एक डार्क रास्ते से निकलकर बाहर उजाले तक पहुंच जाते हैं, जो ये साबित करता है कि इयान जो हमेशा ईश्वर को नकारता था अब उसे ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि ईश्वर के सामने साइंस कुछ भी नहीं है, वो हमेशा गलत था और सोफी पूरी तरह से सही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।